तो फ्रेंड, अगर आप लोग सऊदी में हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो कैसे रिन्यूअल कराना है, कितने पैसे लगते हैं, कहाँ जाना है रिन्यूअल कराने के लिए, और इंडिया में जब जाएगा आपका जांच वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, पूरा इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बिना अपॉइंटमेंट डायरेक्ट जाएंगे तो आप लोगों का पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को वेबसाइट पर जाकर के गूगल पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा सऊदी पासपोर्ट अपॉइंटमेंट। यहाँ जाएंगे तो VFX करके सेकेंड वाला जो आएगा उस पर जाके आप लोगों को ग्लोबल में जाके आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ले लिया आपने, अपॉइंटमेंट लेने के बाद एक डेट मिलता है, उस डेट पे जाकर के आप लोगों को अपना पासपोर्ट लेना पड़ेगा, अपना आईडी कार्ड ही काम जो सऊदी गवर्नमेंट का है। उसके बाद से आप लोगों का इंडिया का जो भी आधार कार्ड चाहे DL ले लीजिएगा, चाहे आप लोगों का पैन कार्ड लेना है, और एक और काम कीजिएगा, आप लोगों का जो अफसर है उसके अंदर जा करके अपना आपका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, चाहे इकामा कब एक्सपायर हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट भी एक ले लीजिएगा। अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के और जो पासपोर्ट ओरिजिनल है लेके जाना आप लोगों को, और फोटो भी लगता है वहाँ पे। फोटो लेने के लिए आप लोग मोबाइल से खींच के जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग बोलता है ओरिजिनल चाहिए, मतलब पिक्सल फट जाते हैं जब बनवाएंगे मोबाइल से खींच के। तो मेरा राय है आप लोग जाके सीधे वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहीं पे वो लोग फोटो भी खींच लेते हैं और फॉर्म भर के भी लेके जा सकते हैं आप लोग अपना। लेकिन वहाँ पे जाके जब फॉर्म भरवाते हैं 40-45 रुपया फॉर्म भरने का ले लेते हैं, आप लोगों का सिर्फ साइन करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोग जाके वहीं पे अपना फॉर्म भी भरवा लीजिए, फोटो भी खिंचवा लीजिए। तो आप लोगों को बताऊं मैं कि वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों का जो चार्ज है पासपोर्ट का 280 रुपया 280 रहता है पासपोर्ट बनवाने का चार्ज, लेकिन आप लोगों का 350 से 400 लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, 35 से 40 रुपया आप लोगों का फॉर्म भरने का ले लेता है वो लोग, 25 रुपया ले लेता है वो लोग अपना उसमें फ़ोटो खींचने का ले लेगा। उसके बाद से आप लोग का जो पासपोर्ट आएगा, आप लोग का ऑप्शन रहता है जाकर वहाँ भी ले सकते हैं पासपोर्ट जहाँ बन रहा वहाँ भी, या तो आप लोग पोस्टल एड्रेस से मंगाएंगे तो वहाँ पे 20-25 रुपया उसका भी ले लेते हैं सब, मतलब सब जोड़ के आप लोगों का वहाँ पे 350 से 400 के आसपास आप लोगों के लग जाएंगे। यहाँ लगने के बाद जब जाएंगे एक दिन में आप लोगों का सब काम हो जाता है। वो लोग एक महीने का टाइम देता है, एक महीने के टाइम के अंदर आप लोगों का पासपोर्ट मिल जाता है, कभी कभी एक हफ्ते में भी मिल जाता है। जब आप लोग फॉर्म भर के आएंगे, जमा करके आएंगे, वहाँ से मेल भेजेगा वो लोग आपके थाने पर, जो भी आपका थाना रहेगा उस थाने पर मेल आएगा। वहाँ पर जब मेल आएगा तो कोई पुलिस वहाँ से जाएगा आप लोगों का वेरिफिकेशन के लिए, भाई हाँ सही में एड्रेस पर आप लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। तो अपने घर में बता दीजिएगा, जब भी आप लोग वहाँ पर जब फॉर्म जमा कर दें तो घर वालों को बता दीजिएगा भाई मैं यहाँ जमा किया हूँ, वहाँ जाएगा पुलिस वाला। तो आधार कार्ड का कोई कॉपी होगा, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कुछ न कुछ प्रूफ लेता है वो लोग, तो वहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद से 500-1000 रुपये भी आपको तो पता होंगे पासपोर्ट में लग जाते हैं, तो वो देना पड़ेगा। अगर आप लोगों का मान लीजिए एक हफ्ता के अंदर इंक्वायरी नहीं आया तो आप लोग अपने घर वालों को बोल के थाने पर भेज सकते हैं, वहाँ पर जा कर के भी चेक करेंगे तो वहाँ आ जाता है, वहीं से आप लोग जमा करवा के वापस वेरिफिकेशन भेजवा सकते हैं। जितना जल्दी वेरिफिकेशन होके आता है उतना जल्दी आप लोग का पासपोर्ट भी मिल जाता है। कई बार एक हफ्ता, कई बार 10 दिन, कई बार 15 दिन लग जाते हैं, कई महीना दिन भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना जल्दी यहाँ से वेरिफिकेशन इंडिया में होके चला जाता है। आप लोग का सब मिला के 350-400 में हो जाते हैं बड़ी आसानी से। 1 साल से कम आपका एक्सपायरी होना चाहिए पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए। तो फ्रेंड, पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग को बताया कैसे आप लोग अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए, और चाहे इंडिया में आएगा तो क्या क्या वहाँ डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है। तो वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो में हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो